हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे नए वीडियो में। और दोस्तों, जो अभी मैंने एसएससी एमटीएस का जो वीडियो बनाया था, जिसे मैंने एक्चुअल सैलरी के बारे में डिस्कस किया है, उसकी जो सैलरी क्या मिलती है, तो देखिए सैलरी जो है उसकी बेसिक 18,000 है। और फिर जो भी पर्क्स वगैरह अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं वो सिटी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। उसके अलावा मुझे एक कमेंट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिली है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जो एमटीएस है उसका एक्चुअल वर्क क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, आपको ये समझना चाहिए, ये पहले फोर्थ क्लास में थी, अब तो जैसे कि ग्रुप सी तक ही है नौकरी, तो ये सबसे लोएस्ट है जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट है। तो आप यहाँ पर ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि आपको आपका जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ना, कि आपको की फाइल में आपको साइन करना है या साइन वर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारी जो एमटीएस है, देखिए इसके दो तरीके हैं, आप तो देखिए लोएस्ट में आपकी सिर्फ एंट्री हो रही है, ठीक है, लोएस्ट में आपकी एंट्री हो रही है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो ज़्यादा अच्छा हो, अभी देखिए अभी रिजल्ट आया है, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइनिंग तक आप जो है, जब भी आपकी ज्वाइनिंग से पहले ही आप कोई नई जॉब का सिलेक्शन ले ले, मान लीजिए 10+2 आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है, या फिर CGL के अंदर हो जाता है आपका सिलेक्शन, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि देखिए आपने जब पढ़ाई तैयारी स्टार्ट की होगी तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे चपरासी बनना है या फिर MTS के लिए नौकरी करनी है, जिसे हम प्यून की भी जॉब है पहले, अब इसका नाम बदल दिया गया है, वो सब नाम जो है वो MTS बना दिया गया है, उसे बोलते हैं अब मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है वो पढ़ाई इसलिए करता है कि मुझे MTS की जॉब चाहिए। देखिए मगर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आदमी को MTS में भी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो मैं ये सारी कंडीशन समझता हूँ। तो जो एक्चुअल वर्क है वो देखिए उसका क्या है, देखिए आप पढ़े लिखे पहुँचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बंदे इसमें जो MTS में सेलेक्ट होंगे वो ग्रेजुएट बंदे ही होंगे, तो उसमें होता क्या है, देखिए लोग ये समझते हैं कि पता नहीं उनसे क्या करवाया जाने वाला है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइनिंग करेंगे आपके हाथ में झाड़ू थमा दी जाएगी कि आप पूरे ऑफिस की सफाई कीजिए या ये सब कीजिए। देखिए इस तरीके के जो मिनियन जॉब हैं जिसके अंदर ये सफाई वगैरह हो गई या टॉयलेट क्लीनिंग हो गई या इन सब चीज़ें जो हैं, इन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, ठीक है, वो गवर्नमेंट नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है, वो ठेके पे काम कराया जाता है, इस तरीके के काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कराए जाने लगे हैं। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपसे इस तरीके काम कराया जाता है। हाँ, छोटी मोटी डस्टिंग कराई जा सकती है, जैसे कि आपके सेक्शन के अंदर ही जो आपकी जो वर्क वाली जो आपकी चेयर होती हैं, जो आपकी टेबल होती हैं, जो हमारा सेक्शन के अंदर सेक्शन ऑफिसर होता है, तो इस तरीके का ये हो सकता है कि आपको वहाँ जाकर जो है थोड़ी सी सुबह सुबह डस्टिंग करने पड़ जाए। और जितने भी आपके सीनियर अफसर हैं, जैसे कि क्लास वन जो अफसर होते हैं गेस्ट, तो उनके लिए आपको पानी भी देना पड़ सकता है, उनके लिए चाय भी देने पड़ सकती है, तो ये उसके वर्क प्रोफाइल का ही पार्ट है। तो देखिए हर पोस्ट के लिए एक चार्टर ऑफ ड्यूटी होती है, चार्टर ऑफ ड्यूटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कह सकते भाई, जिस पद पे हम भर्ती होकर जा रहे हैं वो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। मगर कभी कभी होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप जिस सेक्शन में पोस्टेड हैं वहाँ पर MTS 2 हैं, ठीक है, मगर जो LDC है, LDC वहाँ का पद खाली है, तो ये हो सकता है कि आपका सेक्शन ऑफिसर आपको अलाउ कर दे कि हाँ भाई आप क्योंकि कंप्यूटर का काम भी जानते हैं और आपकी टाइपिंग भी ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत LDC का भी काम करते रहें, मगर ये उसकी कृपा पर निर्भर करेगा सेक्शन ऑफिसर कहे तो, और आपको साथ में MTS की भी जॉब, मतलब ये हो सकता है कि MTS के जो जॉब होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे जब आप LDC का काम करने लगेंगे, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप LDC हो गए। मगर हाँ, जैसे कि जो मैंने आपको प्रमोशन वाला जो वीडियो बनाया है, आप एक बार उसका प्रमोशन का उठा के देखिए, जिसमें हमने बताया कि एक MTS कैसे एक अंडर सेक्रेटरी तक बन सकता है, ठीक है ना, अंडर सेक्रेटरी तक, इस वीडियो के अंदर हमने बताया गया। और देखिए आप तैयारी करते रहिए, देखिए आपको जॉब मिली है, आपका एक तरीके से आप इस जॉब से जो आपको तनख्वाह मिल रही है ना, आप उसे ये समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। आप वहाँ नौकरी ज्वाइन करने के बाद मस्त मत हो जाइए कि हाँ भाई आप गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, आप कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप की तरह ट्रीट करना है इसको, एक दो महीने इन्जॉय हो गया उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई और जितनी अभी कर रहे थे उससे डबल स्विंग, उससे मतलब अपना जितनी भी ताकत थी आप पूरी लगा दीजिए कि अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छा पद पाना है उसके अंदर,
ठीक है। तो ये मेरा सभी जितने भी मेरे भाई सेलेक्ट हुए हैं एमटीएस के पद पर, मैं कभी भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। बहुत आज के ज़माने में इतना टफ कंपटीशन है कि एमटीएस के लिए भी सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप वो करना क्या है, अपना वर्क प्रोफाइल अच्छा करने के लिए आप जो है बाहर के जितने भी एग्ज़ाम हैं 10+2 हमारे ग्रेजुएट लेवल, आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम दीजिए और प्रॉपर चैनल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आ गए और फिर आप अपने डिपार्टमेंट को बता ही नहीं रहे हैं कि आप कौन सा एग्ज़ाम, प्रॉपर चैनल से आप एग्ज़ाम दीजिए और आप सेलेक्ट होइए। और वरना मैंने आपको तरीका बताया भी है कि किस तरीके से एमटीएस के लिए भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, वो 2 से 3 साल के अंदर एलडीसी बन सकता है, फिर यूडीसी, फिर असिस्टेंट, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी। तो इसका प्रमोशन चैनल बहुत ही अच्छा है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भी है। तो देखिए ये 2 या 3 साल जो आपको शुरुआत में एमटीएस का वर्क करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। देखिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ यही सोल्यूशन है कि आप अच्छी से दूसरी जॉब में सेलेक्ट हो जाएँ, वरना आप जो भी आपकी जॉब है आप खुशी रखिए। क्योंकि देखिए चाहे वो एमटीएस हो या आईएएस अफसर हो, सब सरकारी नौकर ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी एक उसी का एक सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो अपनी जॉब जो है, जितनी भी आपको जो आपको काम दिया गया है, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चे निष्ठा के साथ आप अपना कार्य कीजिए, जिससे कि हमारा जो देश है और अच्छी तरक्की करे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए आपको मैंने बताया कि एमटीएस का क्या कारण, और देखिए बेसिक काम क्या है उसका है, जैसे कि डाक आती है हर सेक्शन में, डाक का मतलब कोई भी लेटर वगैरह आता है उसे हम डाक बोलते हैं ऑफिस की भाषा में, तो उसकी एंट्री करनी होती है, रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी होती है, ठीक है। एक फाइल, देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होता है, फाइल का मूवमेंट बहुत होता है कि एलडीसी से फाइल फिर सेक्शन ऑफिसर के पास गई, सेक्शन ऑफिसर से फिर हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर के पास गई, फिर डिप्टी डायरेक्टर के पास गई, मतलब इस तरीके से फाइल का मूवमेंट है। तो ये करता कौन है, ये जो एमटीएससी होता है वही इन फाइल को ले लेकर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जाता है। तो ये इस तरीके का जॉब है, आपको ज़्यादातर काम इसी तरीके का मिलेगा, है ना। तो और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में सभी का रिप्लाई देता हूँ। आपने जितने भी मेरे आप कमेंट देखेंगे उन सभी में मैं रिप्लाई देता हूँ। इसलिए अब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बहुत जल्दी अच्छी से अच्छी नौकरी पर सेलेक्ट हों। देखिए जब भी, जब तक हमारी एज रहती है तब तक हमें पूरे प्रयास करने चाहिए। मैं आपको अभी कभी भी एकदम से डोरमेंट होकर नहीं बैठना चाहिए। आपने कभी देखा होगा, अगर कभी चिकन शॉप पे भी गए होंगे तो भले ही उस जो मुर्गा होता है जिसे हम वहां पर कटने वाला होता है, वो भी अपने पूरे प्रयास करता है कि मैं किस तरीके से बच सकूं, किस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी उम्र के, जब तक हमारी एज है गवर्नमेंट जॉब के लिए, हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। कभी भी आपने देखा होगा कोई भी वो जो है एकदम से निष्क्रिय होकर नहीं रहता है कोई व्यक्ति, तो आपको भी एकदम सक्रिय रहना है और दिखा देना है कि भाई आपने जो तैयारी जब स्टार्ट की थी गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी कोचिंग में जाकर, तो आपने एमटीएस के लिए नहीं बल्कि और अच्छे पद के लिए की थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।